Hello everyone, welcome back to the another video of Determinant and Matrices. Good afternoon to all and very huge welcome to Zeta Institute of Science. ठीक है, तो पिछले बार हमने exercise 4.6 complete किया, आज इस video में हम करेंगे exercise 4.7, which is the last exercise of this chapter. ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आपने अपना notes ready रखा है तो please note down कीजिए. जैसे जैसे होमवर्क देता हूँ तो साथ ही में होमवर्क भी करते जाइए. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. उससे पहले अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करके जाइए, साथ ही में अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट करके जाइए. ठीक है, तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ एंड द इंट्रो गेट्स नाउ. वीडियो में हम करेंगे ट्रांसपोज. ट्रांसपोज क्या होता है हमने पहले से पढ़ा है. ट्रांसपोज ठीक है, ट्रांसपोज हमने पहले किया कि नहीं, बोलो यस कि नहीं. हाँ किया है, बराबर. तो ट्रांसपोज होता क्या है, जल्दी से, रो का कॉलम बनता है, कॉलम का रो बनता है, उसे हम ट्रांसपोज कहते हैं. और डिनोट कैसे करते हैं इसे, हम इसे डिनोट करते हैं ए टी से या फिर ए डैश. ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं. और ट्रांसपोज क्या होता है एक्चुअली, अगर सपोज मैट्रिसेस है हमारा कुछ 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम, कॉलम का रो, बराबर. तो जो ये ऐसा है वो सीधा हो जाएगा और जो ऐसा है वो टेढ़ा हो जाएगा, है कि नहीं. मतलब इसका ट्रांसपोज ये और इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा. This is row to column and column to row. ठीक है, तो क्या आएगा, 1, 2 का क्या आएगा, 1, 2, 3, 4. ठीक है, ट्रांसपोज क्या था, ये था, हमने पहले भी किया है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बस इतना ही. ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए, साथ ही में हम करेंगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज के क्या है प्रॉपर्टीज. पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि हमने ये पहले प्रॉपर्टी देखा है, अगर जब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया है तो हमें ओरिजिनल ए मिलता है. क्या मिलता है, हमें ओरिजिनल ए मिलता है. कैसे है कि हमने पहले से ए का ट्रांसपोज किया तो ए ट्रांसपोज बन गया, साथ ही में वापस ट्रांसपोज किया तो वापस से चेंज होकर ओरिजिनल ए बनेगा. ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हमने पहले भी किया है इसलिए ज़्यादा एक का ईजी दो प्रॉपर्टी. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर k into a whole rest to transpose, इन दोनों का transpose निकालिए तो हम k को अलग करके a transpose कर सकते हैं. मतलब अगर ऐसा है 2 into कुछ matrices दिया रहेगा, ठीक है, और उन सबका transpose, तो उसे हम लिख सकते 2 बाहर निकाल के, constant term को बाहर निकाल के matrices का transpose. ठीक है, वो इस बोला अगर constant term रहेगा तो constant term को बाहर निकालो, करो उसको matrices से जुदा करो उसको. ठीक है, जुदा करके दूसरे का ट्रांसपोज निकालो. नेक्स्ट, इन दोनों का अगर एडिशन रहेगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज रहेगा, ठीक है, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते दो पार्ट में, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज में. ठीक है, जब वो दोनों एडिशन में रहेगा तो उसको दोनों को स्प्लिट करके एडिशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, सेम एडिशन की जैसा हम सेपरेशन भी कर सकते हैं, उसी तरह प्रोडक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, ए इंटू बी को हम ले सकते ए रेस टू बी इंटू बी टी. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, वो दोनों का सेपरेट गया है, बाकी सब बराबर ही. ठीक है, तो नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी एट इक्वल टू ए. ठीक है, एट इक्वल टू ए हमने पहले भी पढ़ा है, मैट्रिसेस में देखा है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या रहता, अगर जब एक मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकाला तो ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगा, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर देखा था, बराबर. नेक्स्ट क्या है, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए विच इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, हमने ये भी किया है कि नहीं, हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये भी देखा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दिया है कि अगर ए प्लस ए टी करे तो उसका आंसर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. ठीक है, अगर ए प्लस ए टी करे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकलता है. ठीक है, अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स पर उसका ट्रांसपोज एडिशन किए
तो वापस से ओरिजिनल वेक्टर से जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस पे क्या होता है, अगर ए माइनस ए टी करती है, ए माइनस ए ट्रांसपोज करती है, तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी समझ में आया क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, बस हमने बहुत सारे प्रॉपर्टी पहले से कर चुके हैं एक्सरसाइज के थ्रू, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं है, इतना छोटा है। ठीक है, तो नोट आउट कीजिए। करते हैं एक्सरसाइज की तरह, उससे पहले मैं भूल गया आपसे पूछने की, मेरा आवाज आपको क्लियर आ रहा है, साथ ही में बोर्ड दिखाई दे रहा है, इफ एस देन राइट एस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरह। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड ए ट्रांसपोज, अगर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 4 3 5, सेकंड में पूछा है ए इक्वल टू 2 माइनस 6 1 माइनस 4 0 5, सीधा बोला है इसका ए ट्रांसपोज निकालो, सिंपल। ए ट्रांसपोज क्या रहता है, रो का कॉलम, कॉलम का रो, तो हम लिख सकते हैं कि A transpose is nothing but 1 3 कैसे लिखेंगे हम, 1 3 minus 4 5। ठीक है, 1 3 कैसे था, ऐसा था उसको हमने सीधा किया, और जो ये ऐसा था उसको भी हमने सीधा किया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इसमें क्या दिया है, A equal to 2 minus 6 1 minus 4 0 5, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, A transpose equal to, ये ऐसा है मतलब ऐसे, तो हमने उसको लिखेंगे ऐसे में, तो क्या आएगा 2 माइनस 6 1 माइनस 4 0 5। ठीक है, ट्रांसपोज समझ में आया, ट्रांसपोज कैसे निकाले इसका, अगर समझ में आया तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, साथ ही में अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया कि अगर इफ aij वेयर aij 3 into 3 वेयर aij इक्वल टू 2 i माइनस j, फाइंड a एंड a ट्रांसपोज, स्टेट वेदर a एंड a ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो इधर हमने डायरेक्ट मैट्रिसेस नहीं दिया है, हमें उसको बोला कंस्ट्रक्ट करने को पहले। ठीक है, कंस्ट्रक्ट इसको एक मैट्रिसेस में कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे हमने किया था एक्सरसाइज फोर एक्सरसाइज में किया था, मैट्रिसेस का पहले एक्सरसाइज में किया था बराबर, उसमें हमने कंस्ट्रक्ट किया था उसी तरह इधर कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है, फिर देखना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। नहीं ठीक है, सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो पहला कंस्ट्रक्ट करते पहले कंस्ट्रक्ट करते मैट्रिसेस क्या है। ठीक है, तो साथ में मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या दिया है, aij इज 3 इनटू 3। ठीक है, इधर क्या दिया है, aij कितना है 3 into 3, मतलब 3 into 3 वाला मैट्रिक्स है, तो हमें पूरा वैल्यू ढूंढना है a11 से लेके a33 बराबर। तो निकालेंगे वैल्यू, पहले निकालेंगे a11 का, a11 is equal to i is 1 j is 1 2 1 minus 1 which is equal to 0 1 minus 1 is 0 0 into 2 is 0 तो a12 2 1 minus 2 which is equal to 2 my 1 minus 2 is minus 1 which is equal to minus 2. Okay, now a13 is 2 1 minus 3 which is equal to 2 minus 2 which is equal to minus 4. Now a21 2 minus 2 1 minus 1 equal to 2 into 1 which is equal to 2. Third a22 kya aayega 2 minus 2 which is equal to 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम a23, तो a23 क्या आएगा a23 हाँ 2 minus 3 which is 2 minus 1 which is equal to minus 2। नेक्स्ट a31 क्या आएगा 2 3 minus 1 which is equal to 2 3 minus 1 is 2 to 2 into 2 which is equal to 4। a32 2 3 minus 2 which is equal to 2 into 1 which is equal to 2। Last A33 which is 2 3 minus 3 which is equal to 0। ठीक है, तो सबका वैल्यू मिल गया, तो आप मैट्रिसेस में लिखेंगे कि A equal to मैट्रिसेस में लिखेंगे, पहले उसका ओरिजिनल लिखेंगे क्या है A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो अभी इसके अंदर इसका वैल्यू पुट करके कितना आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा A11 का वैल्यू क्या है, 0, 0 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है, माइनस 4, 20 माइनस 2, 20 माइनस 2, नेक्स्ट क्या है, 420, 420, ठीक है, ये मैट्रिसेस मिल गया। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकलना है, ठीक है, तो तब तक के लिए इतना नोट डाउन कीजिए। ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसे आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए टी इक्वल टू, ठीक है, जो ऐसा है वो सीधा हो जाएगा, तो क्या आएगा, 0 माइनस 2 माइनस 4, 20 माइनस 2 एंड 420, ठीक है। अगर हम इसको ए से कंपेयर करें तो इधर माइनस है, इधर माइनस है, देखो इधर माइनस है, इधर माइनस है, बट इधर प्लस है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं माइनस को बाहर निकालू, अगर मैं माइनस को बाहर निकालू तो क्या आएगा, 0 माइनस बाहर निकला तो 2, 4, 0, 2, और अभी देखो ए से प्लस में, अगर उसमें से माइनस हटाया तो माइनस ही रहेंगे ना, माइनस माइनस इज प्लस, हमें पता है माइनस और माइनस को जो तो प्लस होता है, उसमें से एक माइनस को बाहर निकाला तो बचा क्या, माइनस, तो 2 प्लस में था, फिर बचा क्या, माइनस 2, माइनस 4, माइनस 2, 0। अब इसको इसको कंपेयर करो, दोनों सेम है कि नहीं, है कि नहीं, तो मतलब इसका क्या है, इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए, ए टी इक्वल टू माइनस ए, एंड ऑल्सो वी कैन राइट ए इक्वल टू माइनस ए टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है, हियर ए एंड ए टी बोथ आर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। हमने बहुत क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बोला कि वेदर ए एंड ए टी पूछा है, ठीक है, तो ए एंड ए टी मतलब दोनों देखना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक है, और हमें मिला क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए जल्दी से, अगर समझ में आए तो ठीक है, समझ में आए तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, नहीं आए तो कमेंट में मेंशन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया कि अगर a इक्वल टू 5 4 माइनस 2 माइनस 3 3 1, ठीक है, तो हमें पीटी करना, पीटी मतलब प्रूव दैट कि 2a रेस टू ट्रांसपोज 2a का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 2 इनटू at, ठीक है, 2 इनटू a ट्रांसपोज, तो हमें प्रूव क्या करना है कि 2a का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 2 इनटू a ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमें प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है, हमें लगेगा पहले 2 इंटू ए वाला मैट्रिसेस, ठीक है, फिर इनका ट्रांसपोज लगेगा 2a का ट्रांसपोज, फिर हमें लगेगा a ट्रांसपोज, फिर हम लगेगा 2a ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमें 1 2 3 4 चार स्टेप लगेगा, ठीक है, तो चार पैरों निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे, पहले क्या आएगा, 2a आएगा, ठीक है, तो 2 इंटू ए मैट्रिसेस, 2 इंटू कौन सा मैट्रिसेस, 5 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 1, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 5 2 सा 10, 5 2 सा कितना आएगा 10, 2 4 सा 8, 2 into 2 is minus 4, 2 into minus 3 is minus 6, 2 into minus 3 is again minus 6, 2 into 1 is 2, ठीक है, तो 2a है, हमें 2a नहीं चाहिए, हमें 2a ट्रांसपोज चाहिए, तो 2a ट्रांसपोज निकालेंगे, तो क्या आएगा, 2a का ट्रांसपोज which is nothing but इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, ये ऐसा है तो ऐसा आएगा, तो क्या आएगा, 10 minus 6 8 minus 6 minus 4 2 which is equation number 1, ठीक है, एक साइड का वैल्यू निकला, अब दूसरे साइड निकालेंगे, दूसरे साइड पे ये ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो ए ट्रांसपोज क्या हमारा, ए का ट्रांसपोज which is 5 minus 3 को कैसे लिखेंगे हम, ये देखो ये ऐसा है,
ठीक है ऐसा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 3 4 माइनस 3 -2 1 ठीक है। नेक्स्ट ए ट्रांसपोज जाएगा नहीं हमें चाहिए 2 into A ट्रांसपोज तो क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 A ट्रांसपोज को तो क्या आएगा 2 5 माइनस 3 4 माइनस 3 -2 1 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके आएगा 5 2 10 -3 2 -6 4 2 8 -3 2 -6 -4 एंड 2 विच इज इक्वेशन नंबर 2 ठीक है। अगर आप इसको उससे कंपेयर करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया तो दोनों सेम है कि नहीं देखो 10 है 10 है 8 है -4 है -6 -6 2 है तो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट 2 है और ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 इनटू ए ट्रांसपोज ठीक है समझ में आया। वेरी इजी सम था हमें सिर्फ ढूंढना था क्या क्या ढूंढने का था प्रूफ में क्या बोला है 2a का ट्रांसपोज इक्वल टू 2 इनटू ए ट्रांसपोज ठीक है। तो हमने पहले 2a का वैल्यू निकाला फिर उसका ट्रांसपोज किया फिर a ट्रांसपोज निकाला फिर उसको 2 इनटू a ट्रांसपोज किया तो हमें दोनों वैल्यू मिल गया दोनों वैल्यू सेम निकला इसलिए प्रूफ हो गया ठीक है। अगर समझ में आया तो नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया क्वेश्चन और सेम है एज क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है ठीक है। तो मैं होमवर्क ले देता हूँ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ डाउट है तो पर्सनल चैट कीजिए या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज कीजिए ठीक है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया अगर If a equal to 0, minus 1, minus 2i, 2 minus i, 1 plus 2i, 0, 7, i minus 2, minus 7, 0 is a matrix, okay? It is a matrix. Prove that a transpose equal to minus a. ठीक है हमें सीधा बोला है कि हमें प्रूव करना है कि a transpose equal to minus a. सिंपल है ना तो पहले क्या करेंगे हम a transpose निकालेंगे तो a transpose निकालने के लिए क्या करेंगे a transpose equal to ठीक है ये ऐसा है इसे हम सीधा कर रहे हैं ठीक है। तो क्या आएगा 0 1 प्लस 2 i i माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 i 0 माइनस 7 2 माइनस i 7 0 ठीक है। बट a इक्वल टू a a जैसा नहीं आ रहा ठीक है। अगर हम a को कंपेयर करें तो a किधर क्या है 1 प्लस 2 i और एक मिनट हाँ 1 plus 2 -1 -2 आए और इधर क्या नहीं है 2 minus i ठीक है। तो सेम नहीं आ रहा हमें प्रूव क्या करना है कि a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a ठीक है। तो a तो नहीं आया अगर इसमें हम माइनस को करेंगे ठीक है माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा अगर माइनस बाहर आया ठीक है तो माइनस को बाहर निकाला तो 0 इधर 1 में से माइनस क्या तो -1 टू आई में से माइनस किया तो माइनस टू आई आई में से माइनस किया तो माइनस आई और माइनस टू में से माइनस किया तो प्लस टू ठीक है। अभी तो माइनस वन से माइनस गया तो वन टू आई से माइनस गया तो प्लस टू आई जीरो माइनस सेवन का सेवन टू में से माइनस गया तो माइनस टू आई में से माइनस गया तो प्लस आई माइनस सेवन जीरो ठीक है। a इक्वल टू a क्या a भी नहीं है क्यों क्योंकि a में क्या है i माइनस टू है और a क्या है माइनस टू प्लस i सेम ही है बस उधर उधर लिखा है। तो हम पहले इसको सीधा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस जीरो माइनस वन माइनस टू i बराबर सेम है। नेक्स्ट i माइनस इधर लिखो टू माइनस i है तो मैं टू को पहले लिख सकता हूँ टू माइनस i ठीक है सीधे इसको एक्सचेंज किया इधर से इधर इंटरचेंज किया बस ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस 2 आए ऐसे कैसी चाहिए 0 आए 7 एज इट इज। नेक्स्ट माइनस 2 प्लस आए इसको देखो आए माइनस 2 चाहिए तो आए को मैं पहले लिखूंगा माइनस 2 एंड एज इट इज ठीक है। ये क्या हो गया इक्वल टू माइनस ए हो गया हेंस प्रूव्ड आंसर प्रूव्ड ठीक
ठीक है, समझ में आएगा क्या इधर? ज्यादा कुछ नहीं, हमने इधर देखो ये हो गया ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स का, जैसे नहीं आ रहा क्योंकि माइनस बाहर निकाला, इसलिए माइनस को बाहर निकाला और हमको आंसर मिल गया। मतलब सिंपल में करने का क्या है कि हमें क्या बोला है, ए टी इक्वल टू माइनस ए लिखा, ठीक है, ए तो ए टी का हो गया, सिर्फ बाद में बाहर माइनस निकाल रहे हैं, बाकी तो आएंगे आंसर से, ठीक है ठीक है। तो समझ में आया, अगर समझ में आया तो प्लीज काउंट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया, इफ a = 2 - 3 5 - 4 - 6 1, b = 2 4 - 3 1 - 1 3, c = 1 - 1 - 2 2 4 3, then show that ki a + b whole raised to t equal to a transpose plus b transpose, and second a - c whole transpose equal to a transpose - c transpose, ठीक है। तो हमें बोला है कि हमें show that करना है। अगर ये पहला था देखो तो हमें मालूम है प्रॉपर्टी में बताया पहले, ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा था बोलता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहला वाला मैं सॉल्व करूँगा, सेकेंड वाला आपको होमवर्क ले दो, ठीक है, पहला मैं सॉल्व करूँगा, सेकेंड आपको होमवर्क ले, ठीक है। अभी इधर पूछा क्या है, ए प्लस बी ट्रांसफर्स इक्वल टू ए ट्रांसफर्स प्लस बी ट्रांसफर्स, ठीक है। तो हमें पहले वैल्यू किस किस का निकालना पड़ेगा, पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, फिर a प्लस बी का ट्रांसपोज, फिर a ट्रांसपोज, फिर b ट्रांसपोज, फिर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना स्टेप है, 1 2 3 4 5, फाइव स्टेप है, ठीक है, पांच स्टेप में करना है, ठीक है। तो पहले a प्लस बी निकालेंगे, ठीक है, a प्लस बी निकालेंगे, ठीक है। तो प्लस करने से पहले हम क्या देखते हैं, हमेशा ए प्लस बी करने से पहले हम क्या देखते हैं कि उसका ऑर्डर सेम है कि नहीं, पहले चेक करते हैं ऑर्डर सेम है कि नहीं। कितना रो है इधर, 3 रो है 2 कॉलम है, इधर भी 3 रो है 2 कॉलम है, 3 रो है 2 कॉलम, ठीक है। तो सबका ऑर्डर सेम है, सो वी कैन से दैट वी कैन डू एडिशन, ठीक है। ए प्लस बी क्या आएगा, 2, ए क्या हमारा 2, 5 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 4 1, प्लस बी क्या हमारा 2 4 माइनस 3 1 माइनस 1 3, ठीक है। इन्होंने एडिशन क्या आएगा, एडिशन के तो 2 प्लस 2 इज 4, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2, 5 प्लस 4 इज 9, माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5, माइनस 6 माइनस 3 इज माइनस 9, 1 प्लस 3 इज 4, ठीक है। ये आया a प्लस बी, अब a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज नथिंग बट 4 माइनस 2 9 माइनस 5 माइनस 9 4, ठीक है। तो ये इसको आप डालेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फिलहाल इतना नोट डाउन कीजिए। तो इतना नोट डाउन किया, उसके बाद हमें फिर क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकालना है, बराबर। तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज व्हिच इज, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 माइनस 3 5 माइनस 4 एंड माइनस 6 1, ए का ट्रांसपोज। अभी भाई बी का ट्रांसपोज कितना आएगा, बी का ट्रांसपोज लिखेंगे हम 2 1 4 माइनस 1 माइनस 3 3, ठीक है। इन दोनों का ट्रांसपोज निकाला, अब इन दोनों का एडिशन करेंगे, तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज क्या आएगा, a ट्रांसपोज क्या है, 2 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 6 1, प्लस b ट्रांसपोज क्या है, 2 1 4 माइनस 1 माइनस 3 3। तो एडिशन के तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 इज 4, 5 प्लस 4 इज 9, माइनस 6 माइनस 3 इज माइनस 9, माइनस 3 1 इज माइनus 2, माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5, 1 प्लस 3 इज 4, ठीक है। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो इसको इसको कंपेयर करो, दोनों सेम है कि नहीं, तो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट a प्लस b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है, समझ में आया, इजी सब है।
ज़्यादा कुछ लोड नहीं है, एकदम इजी। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जो सेकंड बोला है होमवर्क ले दे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 7 बोला है अगर इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दी है फाइंड सी ट्रांसपोज। ठीक है, हमें सी ट्रांसपोज ढूंढना है। कि कंडीशन दी है कि 3a - 2b + c = i वेयर i इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो हमें ढूंढना है सी ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज ढूंढने के लिए पहले हमें तो सी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि सी दिया ही नहीं है। तो इस इक्वेशन से हम सी ढूंढेंगे फिर साथ ही में इसका ट्रांसपोज ढूंढेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दिया है कि 3a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू आई। ठीक है, हमें से सी का जरूरत है तो सी को इधर रख के बाकी सबको उधर रख लेंगे, उधर भेजेंगे तो क्या आएगा आई थ्री ए इधर गया तो माइनस 3a प्लस 2b। ठीक है, तो सबको वैल्यू लिखेंगे आई का यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब 1 0 0 1 माइनस 3 यूनिट मैट्रिक्स सबको याद है ना, 1 1 डायगोनल बन रहे तो बाकी सब जीरो। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए क्या दिया है 3 × 5 माइनस 2 4 3 एंड प्लस 2 बी क्या है माइनस 1 4 3 माइनस 1। ठीक है, तो वो भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसका सबट्रैक्शन प्लस एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 1 माइनस 3 अंदर गया तो क्या आएगा 15 प्लस 3 माइनस 2 इज माइनस 6 एंड 3 4 आर 12 3 3 आर 9 प्लस 2 अंदर गया तो माइनस 2 4 2 आर 8 3 2 आर 6 माइनस 2। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करेंगे पहले तो क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 1 0 0 1 प्लस माइनस 2 6 8 माइनस 2 माइनस 15 माइनस 6 12 9। ठीक है, तो क्या आएगा अगर हम करें तो सब एक साथ करेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 माइनस 15 ठीक है 0 प्लस 6 प्लस 12 क्या क्या एडिशन किया एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन मतलब एक साथ ही किया। ठीक है, तो 0 प्लस 8 एंड माइनस माइनस गेट प्लस 6 एंड 1 माइनस 2 माइनस 9 क्या आएगा विच इज माइनस 17 माइनस 1 माइनस 16 एंड इट इज 14 18 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11 1 माइनस 10। ठीक है, ओके ओके इट इज माइनस 12 है। ठीक है, इधर माइनस 12 है 6 माइनस 12 इज माइनस 6। ठीक है, तो अभी हम इसका इसका क्या निकाले हमें इसका ट्रांसपोज निकाले तो हो गया सी हमारा सी हो गया। इसका सी ट्रांसपोज निकाले तो क्या आएगा सी ट्रांसपोज निकाले तो माइनस 16 माइनस 6 14 माइनस 10। ठीक है, समझ में आया, ज्यादा कुछ नहीं इधर से हमने क्या कैश टाइप प्रोड्यूस करने के लिए एक साथ लिखा पूरा। ये एक साथ कैसे लिखा है 1 प्लस माइनस 2 माइनस 15 ठीक है तीनों को एक साथ कंबाइन किया है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ये जो आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क ले लेता हूँ। ठीक है, सब क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा इधर इस हमारे जो लेक्चर में, अगर आप ट्राई करो सॉल्व करना। ठीक है, सेम सम है सिंपल सम है, अगर डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो वो सब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी वो करने में से ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना है। ठीक है, तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो बाकी का जो पहले पीछे के था क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क ले लेता हूँ, साथ ही में जो दो क्वेश्चन पहले भी होमवर्क दिए। ठीक है, और आगे भी शायद एक दो क्वेश्चन होमवर्क मिल जाएगा क्योंकि लेंथी एक्सरसाइज है लेंथी सम है कि नहीं, तो कुछ ना कुछ तो होमवर्क चाहिए ना आपको भी।
सब मेक करेंगे तो कैसे चलेगा, आपको भी जरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 मैं क्या बताए, ही प्रूव्ड दैट ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें प्रूव करना है ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक, ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक करके प्रॉपर्टी पढ़ा है, पर वो प्रॉपर्टी क्यों पढ़ा है, कैसे आया वो डाउट है ना, तो इसलिए एक्सरसाइज में उसका सम दिए। तो क्या बोला, ए मैट्रिक्स दिया है, इसको प्रूव करना है कि ए प्लस ए टी सिमेट्रिक हो सकता है और ए माइनस ए टी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो पहले हमें क्या क्या लगेंगे, इधर ए टी लगेगा, हमें क्या क्या लगेगा, ए ट्रांसपोज, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक क्या रहता है, ट्रांसपोज ही रहता ना, अगर सिमेट्रिक क्या रहता है, जिसका ट्रांसपोज इक्वल टू ओरिजिनल आया उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर ए माइनस ए टी, फिर इसका ट्रांसपोज। ठीक है, टोटल कितना लगेगा, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप लगेंगे। ठीक है, तो पहला ए ट्रांसपोज क्या आएगा, रो का कॉलम, कॉलम का रो, 1 2 4 1 2 4, 3 2 1, -2 -3 2। ठीक है, फिर ए प्लस ए डी, ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आएगा, ये क्या है हमारा, 1 3 -2 2 2 -3 4 1 2, प्लस ए ट्रांसपोज क्या निकला हमारा, 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5, 4 - 2 = 2, 3 + 2 = 5, 2 + 2 = 4, 1 - 3 - 2, -2 + 4 = 2, -3 - 1 - 2, 2 + 2 = 4। ठीक है, यह ए प्लस ए ट्रांसपोज, अब इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकाल तो क्या आएगा, रो का कॉलम, कॉलम का रो, 2 5 2, 5 4 - 2, 2 - 2 = 4। ठीक है, अभी इसको इसको देखो, दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, वी कैन से दैट ये ए जो आया है और ए जो आया है दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है, तो दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे हम, ए प्लस ए टी, देयरफॉर वी कैन राइट ए प्लस ए टी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि उसका ट्रांसपोज निकाल तो आपस में ओरिजिनल ट्रांसपोज मिला, इसलिए इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया, ए प्लस ए टी सिमेट्रिक कैसे आया, समझ में आया तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर आगे लिखेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकाला, अभी ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या रहेगा, ए क्या है हमारा, 1 2 4 3 2 1, -2 - 3 2, -1 2 4 3 2 1, -2 - 3 2। ठीक है, तो इसका माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1 = 0, 2 - 3 - -1, 4 - -2 = 6, 3 - 2 = 1, 2 - 2 = 0, 1 - -3 = 4, -2 - 4 = -6, -3 - 1 = -4, 2 - 2 = 0। ये हो गया ए माइनस ए टी। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 - 1 = 6, 1 - 0 = 4, -6 - 4 = 0। ठीक है, अगर दोनों कंपेयर करें तो माइनस का डिफरेंस है, क्योंकि इधर 1 है प्लस 1 है, इधर माइनस 1 है, तो माइनस 1 का डिफरेंस है, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस को बाहर निकालो तो 0 - 1 - 6 - 1 - 0 - 4 - 6 - 4 - 0। ठीक है, दोनों सेम आया, मतलब विच इज इक्वल टू माइनस ए माइनस ए टी। ठीक है, तो वी कैन राइट, देयरफॉर वी कैन राइट ए माइनस ए टी
इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो उसके जैसे एक और सब में वो होमवर्क ले देता हूँ. ठीक है, हमें इसको एक्सप्रेस करना है. तो अगर एक्सप्रेस पूछा है तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है कि a इक्वल टू 1 बाय 2 a प्लस ए टी प्लस 1 बाय 2 a माइनस a ट्रांसपोज. ठीक है, जब भी एक्सप्रेस पूछा है, एक्सप्रेस ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, इसका सिर्फ वैल्यू पुट करना है. ठीक है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पुट करके रखना है, क्योंकि एक्सप्रेस ही करना है, आगे सॉल्व नहीं करना है. इसका वैल्यू फाइंड करके इसका वैल्यू फाइंड करना है और जो आंसर आएगा उसको ऐसे ही रखना है. ठीक है, आगे सॉल्व नहीं करना है. तो इधर देखो, ए प्लस ए टी क्या है हमारा, a प्लस ए टी हमारा सिमेट्रिक रहता है, बराबर, एंड a माइनस ए टी रहता है स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है, तो फॉर्मूला कैसा है, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब देखो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, इन दोनों का सम करें, इसलिए बोला है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम कंसिडर करेंगे ये वाला साइड, a प्लस ए टी करेंगे कंसिडर. ठीक है, नेक्स्ट a माइनस ए टी करेंगे, जो वैल्यू आएगा इसमें पुट करेंगे. तो फिलहाल के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो पहले ढूंढना a ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज क्या है हमारा, a ट्रांसपोज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 माइनस 5. ठीक है, तो अभी पहले ढूंढना a प्लस ए टी, a प्लस a ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा, a क्या है हमारा 4 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 2 3 माइनस 5. इनका एडिशन क्या आएगा, इनका एडिशन आएगा 4 प्लस 4 इज 8, माइनस 2 प्लस 3 इज माइनस 1 प्लस 1, 3 माइनस 2 इज 1 एंड माइनस 5 माइनस 5 इज माइनस 10. ये क्या है, a प्लस ए टी. नेक्स्ट a माइनस ए टी ढूंढना है, a माइनस ए टी, a माइनस ए टी क्या आएगा, a इज आवर कितना हमारा, a 4 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड माइनस a ट्रांसपोज इज 4 माइनस 2 3 माइनस 5. ठीक है, तो इनका सेपरेशन क्या आएगा, 4 माइनस 4 इज 0, माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 5, 3 माइनस माइनस 2 इज 5, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 इज 0. ठीक है, ये a माइनस ए डी, अभी दो वैल्यू मिल गया, ये दो वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है. तो क्या आएगा, a इक्वल टू 1 बाई 2 a प्लस ए टी क्या है हमारा, a प्लस ए टी आया 8 1 1 माइनस 10 प्लस 1 बाई 2 एंड a माइनस ए टी क्या है 0 5 माइनस 5 0. ठीक है, इधर तक ही सॉल्व करना है. हमें क्या पूछा, एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस करने के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करना है, a इक्वल टू 1 बाई 2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1 बाई 2 a माइनस ए टी, ये फॉर्मूला याद रखना है, और a प्लस ए टी और a माइनस ए टी का वैल्यू ढूंढना है और उसको एज इट इज रखना है. ठीक है, तुम चाहे तो तक सॉल्व कर सकते हो या फिर एक और स्टेप ऐड कर सकते कि a इक्वल टू 1 बाई 2 अंदर गए तो क्या आएगा 4 1 बाई 2 1 बाई 2 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 बाई 2 5 बाई 2 0. ठीक है, इन दोनों में एडिशन किया तो भी एक मिल रहा है. देखो इन दोनों का अगर एडिशन करते हैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स मिलेगा, बस हमें एक्सप्रेस करना है. ठीक है, समझ रहा है सब, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ए इक्वल टू 1 बाई 2 ए प्लस ए टी प्लस 1 बाई 2 ए माइनस ए टी. ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम आगे वाला सम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो उसके जैसे एक और सम है, सेकेंड वाला सम, वो तुमको होमवर्क ले लेना. ठीक है, नंबर 13 में बोला है कि ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई दैट
A into B transpose equal to B transpose into A transpose and B A transpose equal to A transpose into B transpose. ये भी एक प्रॉपर्टी है, हमें से इसको बेस एग्जांपल सॉल्व करना है कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहले अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, अगर किसी ने एक्सरसाइज 2.6 नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले वो देखिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज किया है, ठीक है। तो पहले हमें ढूंढना है, पहले हम कैसे करेंगे वाला, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमें क्या क्या लगेगा, हमें पहले लगेगा ए इंटू बी लगेगा, फिर ए बी का ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो कितना लगेगा, 1 2 3 4 5 5 स्टेप लगेंगे वापस से सॉल्व करने से, ठीक है। तो पहले करेंगे ए इंटू बी, ए बी करेंगे, देखिए मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, कितना रो इधर, एम टू थ्री, थ्री रो इंटू टू कॉलम एंड टू रो इंटू थ्री कॉलम, मल्टीप्लीकेशन रूल। पहला रूल क्या है, अगर इनका पहला वाला का कॉलम सेकेंड वाला का रो सेम निकला तो हम मल्टीप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जितना टू टू है सेम ही चीज। नेक्स्ट रूल है, इनका प्रोडक्ट का आंसर कितना आएगा, पहला मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 into 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, ए मैट्रिक्स बनेगा 3 into 3 का, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो 2 - 1 0 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 into 0 इज 0, -1 into 2 इज -2, नेक्स्ट 2 into 3 इज 6, -1 into -1 इज +1, 2 into -4 इज -8, -1 into -1 is -1, next 3 into 0 is 0, -2 into -2 is -4, 3 into 3 is 9, -2 into -1 is +2, 3 into -4 is -12, -2, and next 4 into 0 is 0, +2. 4 3 is 12, -1, and 4 - 16, -1, sorry +1. तो क्या आएगा आंसर, चीज क्या आएगा, 0 - 2 is -2, -4 2 7, 11 11, -9, -14, and -15, ठीक है। a into b है, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ए बी ट्रांसपोज कितना आएगा, ए बी का ट्रांसपोज रो चेंज टू कॉलम, कॉलम चेंज टू रो, तो क्या आएगा, -2 7 -9 -4 11 -14 2 11 -15, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, अगर किसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आया तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले वो मल्टीप्लिकेशन देखो फिर इस सबको सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट हमें ढूंढना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज हम ले सकते हैं कि 2 रो का कॉलम 2 - 1, 3 - 2 4 1, एंड बी ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 2 0 3 - 4 एंड 2 - 1 1, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इन टू ट्रांसपोज, ठीक है, उल्टा लिखेंगे, B ट्रांसपोज इज 0 3 - 4 2 - 1 एंड A ट्रांसपोज 2 - 1 3 - 2 एंड 4 1, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई आएगा, 0 0 into 2 इज 0, 2 into -1 इज -2, 0 into 3 is 0, and 2 into -4 - 2 is -4, 0 into 4 is 0, +2, ठीक है। तो क्या आएगा, 3 into 2 is 6, -1, 3 3 is 9, -1 into -2 is +2, 3 4 are 12, -1 into - is -1, -4 into 2 is -8, -1 - 4 into 3 is -12, 1 into - 2 is -2, -4 into 4 is -16,
1 into 1 is plus 1, तो क्या आएगा माइनस 2, 7, माइनस 9, माइनस 4, 11, माइनस 14, 2, 11, माइनस 15, ठीक है, ये और ये सेम आया, यस सेम आया, देखो माइनस 9, माइनस 14, सब सेम आया, तो वी कैन राइट फ्रॉम, हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसी हिसाब से प्रूव हो गया, और जो सेकेंड ये है वो आपको होमवर्क ले देता हूँ, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, अगर नहीं आया तो प्लीज व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको घर पे ट्राई करना है, तो इस हिसाब से हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया है, तो आई होप कि सबको ये चैप्टर समझ में आया, अगर नहीं आया तो मेरे को पर्सनल आके मैसेज भी कर सकते हैं कि कुछ कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम स्टॉप करेंगे इधर क्योंकि चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड, चलो बाय।